नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोल के सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। घरेलू तेल कंपनियों ने गुरुवार को लगातार के दूसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी कर ली है। तेल कंपनियों की बात करें तो आज पेट्रोल की कीमतों में 36 पैसे की और डीजल की कीमतों में 38 पैसे तक की बढ़ोतरी करी गई है। इसके बाद में पेट्रोल डीजल की नई कीमतें लागू होने के बाद जयपुर में 1 लीटर डीजल 106 रुपये 85 पैसे जबकि पेट्रोल 115 रुपये 57 पैसे की कीमत पर पहुंच चुका है। राजनीति में प्रवेश की पहली सीढ़ी माने जाने वाले छात्र संघ चुनाव पर अब भी कोरोना के कारण चुनाव पर लगी रोक अब तक जारी है। जबकि प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, जिला परिषद, नगर पालिका, पंचायत समिति और सरपंच ही नहीं नगर निगम व नगर परिषद के चुनाव भी हो चुके हैं। इस चुनाव से राजनीति की नई पौध तैयार होती है। लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में एनकाउंटर करने वाले इंस्पेक्टर जयराम को बहाल किया गया है। साथ ही 3 कांस्टेबल को भी बहाली मिल गई है और पुलिस के प्रारंभिक जाँच में 4 पुलिसकर्मियों पर लगाए आरोप बेबुनियाद पाए गए। वहीं एनकाउंटर को सही माना गया है और एनकाउंटर के बाद ACP मंडोर राजेंद्र दिवाकर को मामले की अतिरिक्त जांच भी सौंपी गई है। दिवाकर ने इसकी रिपोर्ट हाल ही में PHU और जोधपुर पुलिस कमिश्नर को सौंपी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा आयोजित राजस्थान राज्य व अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2021 कड़ी सुरक्षा के बीच जोधपुर में सम्पन्न हुआ है। जोधपुर के 149 परीक्षा केंद्रों पर 49.24% अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। कुल 49,537 परीक्षार्थियों में से 24,403 परीक्षा देने पहुंचे हैं और कुल 25,161 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था, लेकिन सेंटर अन्य जिलों में आने के चलते वे लोग एग्जाम देने कम पहुंचे। गांधीवादी SN सुब्बाराव का बुधवार को निधन हो गया था। वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुरु थे और उन्हीं की सीख से गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। वहीं सुब्बाराव ने ही 1972 में कुख्यात डकैत मोहन सिंह, माधो सिंह सहित 600 से अधिक नामचीन डकैतों का आत्मसमर्पण करवाया था। उन्होंने 1954 में पहले गांधी आश्रम बागियों के लिए कुख्यात चंबल के जोरा गाँव में 10 माह तक चलाया और इसके बाद इस आश्रम के जरिए उन्होंने 1972 में कुख्यात डकैत मोहन सिंह, माधो सिंह सहित 600 से अधिक डकैतों का आत्मसमर्पण करवाया। झुंझुनू के सिंगाना थाना इलाके के सांतड़िया गांव में बाइक सवार युवकों के द्वारा सांतड़िया के हिस्ट्री शीटर उमेश सांतड़िया के पिता की गोली मार करके हत्या के मामले में पुलिस को अहम सुराग मिले हैं। पुलिस ने आज मृतक का पोस्टमार्टम करवा करके शव परिजनों को सौंप दिया तो वहीं पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए हिस्ट्री शीटर उमेश सातड़िया जयपुर जेल से देर शाम को सातड़िया गांव पहुंचा। इस दौरान सातड़िया गांव में मृतक हरफूल सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान पुलिस का भारी जाब्ता भी मौजूद रहा। उत्तरी भारत के पर्वतीय क्षेत्र में हो रही बर्फबारी का असर अब मैदानी भागों में आने लगा है। वहां से चल रही ठंड हवाओं के कारण सुबह और शाम को सर्दी बढ़ गई है। पिछले 5 दिनों के दौरान पिलानी में अधिकतम तापमान में 4.8 डिग्री व न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री की गिरावट हुई है। बात करें बुधवार को प्रदेश में शेखावटी क्षेत्र की तो शेखावटी क्षेत्र सबसे ठंडा रहा है और मौसम विभाग के अनुसार सीकर 11 डिग्री के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।